भाई अब तो इस खटारे को निकाल कर नई गाड़ी ले लो, वरना एक दिन मैं ही आग लगा दूंगा इसको। अबे सड़ेले, खटारा तो तू भी है, तेरे को जला दूं। कमीने, धोखेबाज, नमक हराम, बेईमान। अबे साले, मेरे को गाली दे रहा था तू? नहीं भाई, आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, वो देखो। हाय जनमन, हाय, फकरू का सलाम भाई। मर्सिडीज 250C, पावर 136 PS, फोर सिलेंडर, 229 CC, 5100 RPM, टॉर्क 205 NM, मेड इन जर्मन। अबे बिना मुझके आइंस्टाइन, तेरे को ये भी मालूम है, लेकिन माल किधर है मालूम नहीं है। ये छोड़ो भाई, वो देखो फकरू, मैं कहता था ना वो सही आदमी नहीं है। मैं आपके वसूली के पैसे से ऐश करता है। सही बोला। आप इस खटारा में ए बिना धुएं की चिमनी, उंगली क्यों कर रहे बे? भाई ये गाड़ी मैं सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। वो धनपत सेठ कैश देने से मना कर रहा था, मैं उसकी गाड़ी उठा लाया हूँ भाई। मर्सिडीज है भाई, पूरे 10 लाख की। वाह मेरे शेर, खुश कर दिया तूने, आ जा। चल अब ज्यादा लाड़ो मत, उतर। ए मुन्ना, जीप जला दे। जला दे जला दे। अब हम मर्सिडीज में घूमेंगे। चल तेरे को हाजी अली घुमाता हूँ। भाई भाई भाई, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? ये गाड़ी भी ना आपकी तरह बीच में रुक जाती है। अबे साले, प्रॉब्लम क्या है? कुछ खास नहीं है, पेट्रोल की टंकी लीक कर रही है तो 1,75,000 का खर्चा है, और सस्पेंशन के भी वाट लगी हुई है तो ओनली 1,17,000। और हाँ भाई, इंजन भी डाउन है तो 3.5 लाख रुपया उसका भी लगेगा। कार्बोरेटर में कचरा भी जाम है, फैन बेल्ट नहीं चल रहा, ब्रेक भी नहीं लग रहा, और ये जो स्टीयरिंग है ना वो मुझे थोड़ा जाम। टोटल खर्चा कितना है? कुछ ज्यादा नहीं भाई, मैकेनिक बोला कुछ 12 लाख का खर्चा आएगा बस। अबे साले, 10 लाख की गाड़ी में 12 लाख का खर्चा? हाँ। पहले तू वो बुड्ढे को लेकर आया, फिर ये मैं की चेक लेकर आया, अब ये सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा ले आया तू। अबे साले, सेठ से 3 लाख रुपए लाने थे, तू कैश नहीं ला सकता था? अरे ये क्या आदमी। ए मुन्ना, गाड़ी मत चला। अरे मत चला भाई। अरे अरे भाई, जीप तो चल गई। भाई इसको। अबे साले बटले। भाई मेरी बात सुनो भाई, सेठ से 3 लाख रुपए लाने थे, उसके बदले मैं 10 लाख की गाड़ी ले आया भाई, 7 लाख का प्रॉफिट है। 7 लाख का प्रॉफिट? अबे साले 7 लाख दूंगा तुझे। मकसूद, इसको बॉस किसने बताया यार? भाग गया साला। मकसूद, वहाँ क्या हो रहा है? अरे डफर लोगे यार, तू कहाँ था इतने दिन? मैं बैंगलोर गया था। बैंगलोर? अरे बैंकॉक जाता तो समझ में भी आता, काम की जगह है, बैंगलोर क्यों गया था? अली गोल्फ में झंडे गाड़ रहा है, गोल्फ टूर्नामेंट जीत गया। सुबह से मैं ही मिला ना, वो बस्ती में रहने वाला लड़का कंचे खेलेगा या गोल्फ? मैं जानता था तुम यही कहोगे। ये लो, ये पढ़ो, देखो। मर्दाना ताकत के लिए मिले डॉक्टर अशोक से, बस थाना के पास, कांदेवली वेस्ट। ये नहीं, ये। अरे तो पहला बोलने का ना, मैं तो मनी मन कांदेवली भी पहुंच गया था। बस्ती का लड़का अली जीता गोल्फ टूर्नामेंट, टॉप 60 में हुआ क्वालिफाई। फोटो तो अली का ही है, लिखा भी बरोबर है, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होता है, अगले हफ्ते मुंबई में खेल रहा है, खुद ही देख लेना। आऊंगा और देखूंगा अभी, लेकिन बड़े भाई खुश नहीं होंगे, उन्होंने डंडा करके रखा है। बड़े भाई? हाँ, हम लोग की हफ्ता वसूली में बहुत गिरावट हुआ है, अभी उनको क्या बोलूं? अपने खिलाड़ी लोग गेम बजाने के बजाय गेम खेलने लगे, अभी वो मेरा ही गेम बजा देंगे। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई प्लीज टेक अ सेल्फी विद यू? या प्लीज कम। अरे वाह। थैंक यू सर। जब लोग सेल्फी लेने लगे तो समझ जाओ कि तुम स्टार बनने वाले हो। लेकिन पहले के जमाने में दिलीप कुमार, अशोक कुमार और राजेश खन्ना बिना सेल्फी के कैसे स्टार हो गए? अली भाई, एक सेल्फी अपने साथ भी बनता है, प्लीज। हाँ। अरे यार, ये मनुज का फोन आ गया। कौन मनुज बे? मशहूर आया। वो कौन है? अरे वो डेंजर भाई, खतरनाक भाई है वो। अरे भाई कैसे हो? भाई जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। तुझे क्या परेशानी है बे? भाई भगवान के बहुत करीब हैं, जब हम सब मर जाएंगे ना तो बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन भाई थोड़ा ही ऊपर जाएंगे। क्यों भाई? चुप ना बे। चलो मैच शुरू हो रहा है, टॉस कौन जीता? हाँ? अरे मियाँ, ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये गोल्फ है, गोल्फ, इसमें टॉस नहीं होता। देखा, गोल्फ के बारे में भी इसको सब मालूम है। अबे बुड्ढों के गजनी, तो अब ये भी बता दे कि दुनिया गोल क्यों है, फरवरी में सिर्फ 28 दिन क्यों होते हैं, और पुरानी फिल्मों में जब हीरोइन ना रही होती थी तभी भूत क्यों आता था, और ये भी बता दे
कि बच्चा सिर्फ 9 महीने में क्यों पैदा होता है? सेक्स मरवाएगा बुड्ढा। चलो मैच शुरू हो रहा है, चलो चलना बटला। क्या कर रहा है ये? ए, बड़े भाई का फोन है। सलाम भाई। हेलो हेलो, नेटवर्क क्या लगता है? अरे तो भाई खड़े हो जाओ ना, आप तो खुद टावर हो। हेलो हाँ भाई, ठीक है भाई। हाँ भाई, फिर हार गया, अपनी किस्मत में रानी ही नहीं है। ये लो भाई 2,500 रुपये। 2,500 और? ये क्या है? हारने के। ये क्या मजाक है, हारने के कोई पैसे देता है क्या? अगर देने लगे तो? तो फिर कोई जीतेगा ही क्यों? बरोबर बोला तूने, अपना अली है ना, हर टूर्नामेंट जीतने लगा है, पक्का चैंपियन बन गया है। तो सबको लगता है कि अगला टूर्नामेंट भी वही जीतेगा। सबको लगता क्या है, अली ही जीतेगा। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबका पैसा अली की जीत पर लगा है, लेकिन हम सट्टा खेलेंगे अली की हार पर। सट्टा? ये सट्टा लग गया ना मकसूद, तो लाखों में खेलेगा, लाखों में। विक्रम, लगता है इस साल का टूर्नामेंट काफी टफ होने वाला है। यकीनन, लेकिन दूसरे प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर मी। यहाँ पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो विक्रम को टक्कर दे सके। और अली, जो लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है। नोबडी, एंड आई मीन नोबडी कैन बीट मी अदर देन मी। हर साल की तरह इस साल भी टूर्नामेंट मैं ही जीतूंगा, कोई सड़क छाप नहीं। हाय अली। सड़क छाप? अली, विक्रम का तो कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी वही टूर्नामेंट जीतने वाला है। तो गलत कहां कहा इन्होंने? जो बंदा पिछले 5 साल से जीत रहा है वो साल कैसे हार सकता है? ये तो बने ही हैं जीतने के लिए। मैं तो कहता हूं इनका नाम विक्रम राठौड़ की जगह विक्रम जीत राठौड़ होना चाहिए, चैंपियन है ये। ये जो हम सब खिलाड़ी आए हैं ना यहाँ पे, ये इसलिए आए हैं ताकि इनसे हार सके। मैं तो कहता हूँ टूर्नामेंट है ना, सब छोड़ो, बंद कर दो सब, और आगे के 10-12 साल की जो ट्रॉफी है इनके घर पे भिजवा दो। आप कैसे कह सकते हैं कि हार जाएंगे ये? चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि हार गए, तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा इनकी नाक कटेगी, मूछें कटेंगी, बंदा फिर भी स्मार्ट लगेगा, मॉडलिंग फेस है, मॉडलिंग में काम मिल सकता है, फिल्मों का पता नहीं, बहुत स्ट्रगल है फिल्मों में तो, या 2-4 म्यूजिक वीडियो कर सकते, हम तो ठहरे परदेसी टाइप, लेकिन बेइज्जती तो नहीं होगी ना? थोड़ी बहुत बेइज्जती हो भी गई लेकिन रहेंगे तो महलों में ना। चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि महल से उनको जोर से लात पड़ी और ये सड़क पे आ गए, तो मुझे से सड़क छाप आदमी आपको वहीं मिलेगा अगर उसने पूछ लिया कि इधर कैसे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो क्या जवाब देंगे आप? इसलिए कुल मिला के बात ये है कि आपके पास हारने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। युवराज की जय हो। What are you doing here? Get on!